हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NM इलेक्ट्रिकल वर्क्स में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वी गार्ड रिश्ता लॉयल्टी ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। पिन कोड देने के बाद ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद और एक पेज आपका खुल जाएगा जो कि फॉर्म का दूसरा पेज है। तो आपका करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेना है, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पर आप मैरिड हो तो मैरिड क्लिक करना है, अनमैरिड हो तो अनमैरिड। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, सिलेक्ट ऑलरेडी एनरोल इनटू लॉयल्टी स्कीम का मतलब ये है कि अगर आप पहले से ही इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप यस पर क्लिक करना, वरना नो पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको एनुअल बिजनेस पोटेंशियल में कुछ भी दे देना है। मैं 3000 कर लेता हूँ। फिर अपडेट योर सेल्फी में आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अपना आईडी सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ आधार पर सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको अपना गैलरी से फ़ोटो सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा अपने आप कैप्चर फोटो फ्रॉम कैमरा पर क्लिक करके अपना कैमरा ओपन करके क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने मेरा गैलरी से फ़ोटो अपलोड किया था तो मुझे बाद में प्रॉब्लम हुआ, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो मैं कंपनी को फ़ोन किया तो वो बताए कि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो ब्लर हो गया है, फिर से अपना एक
डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्लियर फ़ोटो क्लिक करके, तो मैंने फिर से केवाईसी डॉक्यूमेंट पर नया अपलोड डाला है। यहाँ पर आपका आधार नंबर मैन्युअली एंटर करना है। आपका पैन कार्ड है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड का फोटो दे सकते हैं और नंबर भी मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद और एक पेज खुल के आएगा जो कि अकाउंट वाला पेज है। आपको यहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल्स डालना है, अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, फिर कौन सा टाइप अकाउंट है, सेविंग या करंट वो डाल देना है, बैंक सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आईएफएससी कोड एंटर कर देना है। आईएफएससी कोड देने के बाद आपका एक पासबुक का फ्रंट पेज जो है उसको अपलोड कर देना है। आप यहाँ किसी को नॉमिनी रखना चाहते हो इंश्योरेंस पर्पज से, तो आप दे सकते हैं उसका डिटेल्स। मैं अपना भाई का दे रहा हूँ। नॉमिनी देने के बाद मेंबर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली बताएगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और एक मैसेज भी आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब तक आपको पासवर्ड नहीं मिल जाएगा आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके मोबाइल में जो अभी अभी मैसेज आया है उसमें कंपनी का नंबर दिया गया है, वो नंबर को कॉल करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, कॉल वेरिफिकेशन। कॉल करके बोलना है सर मेरा वेरिफिकेशन करवा दीजिए। उसके बाद उन लोग ठीक से वेरीफाई करने के बाद आपका पासवर्ड भेज देंगे आपके मोबाइल नंबर पर। लेकिन दोस्तों पासवर्ड आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, एक दो दिन में। कुछ टाइम के बाद आपको एक ऐसा मैसेज आएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको 100 वेलकम पॉइंट्स मिलेगा